बेबी पानी ख़त्म हो गया, मैं पानी लेके आता हूँ। वैसे दिन भर में कितना पानी वेस्ट करते हो आप? एक्सक्यूज मी, आर यू टॉकिंग टू मी? या सॉरी, आई वाज जस्ट आस्किंग कि दिन भर में मतलब ऐसा खेल के आप कितना पानी वेस्ट करते हो? हमारे ऐसे खेलने से किसी को वैसे भी क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क पड़ता है, वैसे फर्क पड़ने की जरूरत नहीं। मिस डेजी। या सो मिस डेजी, आप इसे शुरू करते हैं। समझिए आपकी शादी हो गई है, आपके बॉयफ्रेंड या फिर जो कोई भी आपके लाइफ में होगा उससे। वन सेकेंड, मेरे इतने जल्दी शादी करने का कोई प्लान नहीं है, ओके? इसलिए मैंने इनकेस ये वर्ड यूज किया ना। सो कमिंग टू द पॉइंट, समझिए आपकी शादी हो गई है, आपकी एक अच्छी फैमिली है, पर अगर यही सब चलता रहा ना पानी का वेस्ट, तो अभी आप पानी नदी में देख रहे हो, कुछ साल बाद आप पानी कुएं में देखोगे, हो सकता है आपके बच्चे नल में पानी देखें, पर आपके अगर पोते हुए ना और सेम सिचुएशन रहा मैडम, तो वो कहां पे पानी देखेंगे? कैप्सूल्स में? स्टॉप इट, व्हाट द हेल मिस्टर व्हाटएवर, वाटर इज अ ह्यूमन राइट, ओके? यस, वाटर इज अ ह्यूमन राइट, बट वी डोंट हैव एनी राइट टू वेस्ट द वाटर। गांव में लोग मर रहे हैं पानी के लिए। अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि 10-10 किलोमीटर लोग जाते हैं पीने का पानी लेने के लिए। कहीं पे लोग नाले में कपड़े धो रहे हैं और हम लोग यहां पानी वेस्ट कर रहे हैं। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स पानी के नाम से फाउंडेशन ओपन कर रहे हैं, क्यों तो उनको पानी बचाना है। अगर हम लोग ऐसी सिचुएशन में पानी वेस्ट करते रहे ना, तो वो दिन दूर नहीं है, पानी कैप्सूल्स में ही देखना पड़ेगा। तब भी अगर निग्लेक्ट करते रहे ना, तब शायद से ये टीयर ड्रॉप में ही पानी मिलेगा। लाया पानी, ये ले पानी। कहाँ था इतनी देर? अरे सॉरी बेबी, एक्चुअली शॉप्स बहुत कम है यहाँ पे अब, और पानी बहुत जल्दी मतलब पानी जल्दी मिलता नहीं है यहाँ पे।